नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा कि अध्ययन कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, जो कि सेकेंड पेपर जो आपका है वो आपका है अधिगम का आकलन। जो कि अधिगम के आकलन में अगर हम लोग आपको मतलब देखा जाए तो हम लोग प्रथम यूनिट हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और प्रथम यूनिट में आपको सबसे पहला ही जो लेक्चर आपका था मापन था, कि मापन क्या होता है, मेजरमेंट होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मापन के बाद कि मूल्यांकन क्या होता है। तो आज हम लोग जो देखेंगे कि वो आकलन क्या होता है, जो कि अगला हमारा टॉपिक क्या है, आकलन असिसमेंट। असिसमेंट होता क्या है, तो हम लोग असिसमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, एक एक उसको पॉइंट पॉइंट आपको समझेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ किताबी भाषा तो आप जानिए, वो तो ठीक है, लेकिन किताबी भाषा के साथ साथ आप उसको अपने व्यवहारिक भाषा भी आप उसको जानिए कि व्यवहारिक भाषा में उसको हम क्या कहते हैं, व्यवहारिक भाषा वो क्या है। तो इसको हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ ये है। तो आइए देखते हैं कि आकलन हमारा क्या है। इससे पहले आप लोग चैनल पे जितने भी लोग आप लोग नए हों वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल आप लोग दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, ताकि आप तो लाभान्वित हों ही लेकिन आपके साथ साथ आपके भाई बहन जो भी आपके मित्र हों वो लोग भी लाभान्वित हो सके। तो आइए देखते हैं कि आकलन होता क्या है, असिसमेंट जो है वो असिसमेंट होता क्या है। तो देखिए असिसमेंट होता क्या है, तो जो आकलन असिसमेंट है वो लोगों को, जो लोग होते हैं उन सभी लोगों को सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब इसका समझिए कि आकलन जो होता है, असिसमेंट जो होता है, जो एक दूसरे से जो हमारा समाज, जो लोग होते हैं हमारे समाज में, वो लोग एक दूसरे से जो सूचनाएं जो एकत्रित जो करते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा आकलन कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, असिसमेंट कहलाता है। जैसे कि इनको मतलब अलग अलग सूचनाएँ अलग अलग माध्यमों के द्वारा हम सूचनाएँ एकत्रित भी करते हैं, तो इनके अलग अलग माध्यम भी हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि जिन्हें विभिन्न माध्यमों, जैसे क्या है, असिसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट, क्या है, असिसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट, असिसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा हम प्रथम मतलब जो अपनी सूचनाएं होती है उसको एकत्रित हम करते हैं। उसके बाद क्या है, तथा निष्पत्ति परीक्षण, जो निष्पत्ति परीक्षण होता है, निष्पत्ति परीक्षण के माध्यम से हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं। उसके बाद क्या है के द्वारा एकत्र किया जाता है, तथा छात्रों को बिना कोई ग्रेड या अंक दिए जो छात्र होते हैं। देखिए इसका यही सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका है, एक मतलब लाइन, कि इसमें जो आकलन जो होता है इसमें कोई आपको अंक नहीं दिया जाता है, कोई आपको ग्रेड नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब कि जैसे आप मापन में क्या, मूल्यांकन में क्या होता था कि बच्चा जब पेपर जब देता था, तो पेपर जब देने जब देता था तो वो एक समूह में, जब उनके पाँच छः बच्चे जो उनके ग्रुप के जो थे उसमें वो प्रथम स्थान लेकर के आता था, वो मान लीजिए 100 में से 70 नंबर लेके आता था, 80 नंबर लेकर के आता था, तो उसमें जो बच्चा अधिक नंबर लेके आता था, हो सकता है प्रथम स्थान लेकर के आया, हो सकता है द्वितीय स्थान लेकर के आया, हो सकता है तृतीय स्थान लेकर के आया, तो वो अलग अलग क्या करते थे, अलग अलग अपना एक स्थान लेकर के आते थे, उसमें एक कोई ना कोई ग्रेड दिया जाता था, कोई ना कोई उसको 100 नंबर में से कुछ ना कुछ उसको अंक मिलता था। लेकिन यही चीज़ अगर आकलन की हम करें तो इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता है, इसमें कोई ग्रेड नहीं दिया जाता है, कोई भी इसमें न तो ग्रेड दिया जाता है और न ही इसमें कोई अंक दिया जाता है कि आप 100 में से इतने नंबर पाए, नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ दिया गया जाता है तो पृष्ठ पोषण देने की सुविधा प्रदान की जाती है आपको, सिर्फ और सिर्फ पृष्ठ पोषण दिया जाता है। पृष्ठ पोषण देने का मतलब होता है पुनर्बलन देना। जैसे कि अगर बच्चा मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ रहा है या कोई चीज़ जानता है, उसको आप कुछ मतलब वो भूल रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको आप और प्रेरित कर देंगे, उसको आप थोड़ा सा पुनर्बलन दे देंगे, उसको थोड़ा सा उस टॉपिक को बता देंगे कि ताकि वो बच्चा थोड़ा सा क्या करे, अपने जो जैसे मान लीजिए कि दो का पहाड़ा अगर छोटा बच्चा है पढ़ रहा है, तो दो पढ़ा, दो दुना चार पढ़ा, उसके बाद हो सकता है छः भूल जाए, उसको पूरा याद है, छः हो सकता है भूल जाए, तो उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पुनर्बलन देते हैं, बेटा द्वितियाँ छः, जो ही आप छः बोलेंगे वो आगे की पूरी लाइन पढ़ ला लेगा। तो वही चीज़ होता क्या है, एक पृष्ठ पोषण देना, जैसे कि बच्चा अगर पेपर देने जा रहा है, मूल्यांकन होने के थोड़ा सा पहले की प्रक्रिया क्या करेगा एक टीचर, उसको कुछ पेपर के माध्यम से, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से उसको पृष्ठ पोषण दे देता है बच्चे को, थोड़ा सा उसको समझाने का प्रयास कर देता है, थोड़ा सा एक बार फिर से उसको एक पुनर्बलित उसको कर देता है, ताकि बच्चा पेपर मतलब उसके एक मूल्यांकन उसका जब होने वाली या जब उसको ये परीक्षा जो होने वाली रहती है उससे पहले की थोड़ी सी प्रक्रिया होती है, सेम चीज़ें वहाँ पे देखिए होगा, तो पृष्ठ पोषण देने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह सब छात्रों या मतलब उनके जो समूह होते हैं, ये सभी छात्र या उनके जो उन बच्चों का जो समूह जो होता है, उन समूहों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब इसका आप समझ गए होंगे
कि आकलन होता क्या है। तो आकलन होता क्या है, तो आकलन लोगों में या जो लोग होते हैं, जो हमारा समाज होता है, वो एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है। एकत्रित करने का मतलब वो एकत्रित क्या करेंगे, तो जो भी सूचनाएं हमको, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी सूचनाएं हमारे समाज में बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, तो उसको एकत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा क्या होता है, आकलन होता है। इस आकलन में जैसे कि अलग अलग माध्यम से इस आकलन को हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि असाइनमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट या निष्पत्ति परीक्षण, या फिर इसको मतलब निष्पत्ति परीक्षण द्वारा इसको एकत्रित किया जाता है, तथा छात्रों में इसमें कोई ना तो ग्रेड दिया जाता है ना तो कोई अंक दिया जाता है। इसमें पृष्ठ पोषण देने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह सब छात्रों या उनके समूह द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। आपको हम एक एक पॉइंट धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, आप समझते हुए चलिए। जब प्राप्त पृष्ठ पोषण को, अब देखिए, जब बच्चे को जब पृष्ठ पोषण जब मिल जाता है, जब जो बच्चा होता है वो पृष्ठ पोषण जब पाया जाता है, तो वही चीज है कि जब प्राप्त पृष्ठ पोषण को छात्रों के अधिगम उद्देश्यों से जोड़ा जाता है, कि जो छात्र का अधिगम उद्देश्य हो, जैसे कि आपका उद्देश्य मान लीजिए है बीएड सेकंड सेमेस्टर पास करना, बीएड सेकंड सेमेस्टर में आपको 80% नंबर लाना, तो वही चीज़ें वहाँ पे है कि जो छात्रों को अधिगम उद्देश्यों से जोड़ा जाता है, तो छात्रों में अंतिम मूल्यांकन से पहले, आपको हम पहले ही बताए थे कि मान लीजिए कि आप पेपर देने जा रहे हैं, आपका वो मूल्यांकन होगा। अब जब आप पेपर जब देंगे तो आपकी कॉपी चेक होगा तो आपका मूल्यांकन होगा। तो आप जब पेपर देने जब आप जाते हैं फाइनली अंतिम, उससे पहले आपको मतलब एक टीचर जो होगा आपको पहले उससे थोड़ा सा वो क्या कर क्या करेगा, पुनर्बलित करेगा, आपको पृष्ठ पोषण देगा कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, कुछ मतलब आपको समझा करके, आपको वही टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आपको समझाने का प्रयास करेगा। तो कहीं ना कहीं जब आपको मूल्यांकन से पहले आप में सुधार संभव करेगा, आप में सुधार करेगा, ताकि बच्चा अच्छा नंबर जा करके पेपर में या फिर हर एक क्वेश्चन का वो आंसर दे सके पेपर में, तो उसके लिए ये क्या है, तो मूल्यांकन से पहले की प्रक्रिया ये होती है, यही क्या कहलाता है, हमारा आकलन कहलाता है। और ये प्रकार से आकलन मूल्यांकन का छोटा रूप होता है। ये क्या होता है, ये एक प्रकार से जो मूल्यांकन हमारा होता है उस मूल्यांकन से पहले की प्रक्रिया होती है, या मूल्यांकन का छोटा रूप होता है। कहा तो जाता है कि मूल्यांकन और आकलन दोनों एक ही प्रक्रिया हैं, दोनों एक मतलब पर्याय हैं, एक ही पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं होते हैं। ये आकलन और मूल्यांकन दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, जो कि ये मूल्यांकन का छोटा रूप आकलन कहा जाता है। और जो प्रक्रिया से पूरे मतलब पुनर्वाभ्यास, या उसको हम कह सकते हैं कि पुनर्बलित, या आपको अभ्यास कराया जाता है कुछ का क्वेश्चन के माध्यम से, कुछ प्रश्नों के माध्यम से, आपको टीचर एक बार फिर से आपको पुनर्बलित कर देता है, एक बार फिर से आपको पूरे के पूरे चैप्टर आपको रिवाइज करा देता है, जैसे आप देखते हैं ना मैराथन के द्वारा, या फिर अपना कुछ ले लेता है कुछ घंटों का मैराथन, कुछ टॉपिक को ऐसे ले लेगा जिससे कि उसको संभावनाएँ होती है कि ये प्रश्न मतलब पेपर पूछ सकता है। तो आपको वो सब क्या किया जाता है, आपको पहले अभ्यास कराया जाता है पेपर में जाने से पहले। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये आकलन ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्वाभ्यास या पेपर से पहले का अभ्यास के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यही हमारा क्या होता है, आकलन होता है, असेसमेंट होता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको समझ में ना आए उसका आप एक बार कमेंट कर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अगले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करें, या अगर हो सकता है तो कमेंट के ही माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसकी परिभाषाएँ क्या होती हैं, उसके बाद हम लोग इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, धीरे धीरे इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। देखिए, जो आकलन है, असेसमेंट है, इसको हम लोग मतलब इसके अर्थ को हम लोग जान लिए कि मतलब आकलन क्या होता है, असेसमेंट होता क्या है। अब हम लोग इसकी परिभाषा जानेंगे कि इनकी परिभाषा क्या है। जैसे कि आपको इरविन के अनुसार हम आपको बताएंगे परिभाषा क्या है, और हुब्बा एवं फ्रीड के अनुसार परिभाषा क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हुब्बा एवं फ्रीड ने क्या कहा था, इसकी परिभाषाएँ हम लोग जानेंगे। तो आपको हम बताए भी थे कि आकलन होता क्या है, तो आकलन क्या होता है, तो आकलन जो है किसी मतलब लोगों में सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। जो लोग सूचनाएँ को जब एकत्रित जब करते हैं तो वही के चीज आकलन होता है। आपको हम बताए भी थे कि जो किसी के बारे में निर्णय देना ही आकलन कहलाता है, कि जो कोई भी किसी के बारे में आप निर्णय देते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। जैसे आपको कह दिया जाए कि आप अपने बच्चे के बारे में क्या निर्णय लेते हैं, तो आप जो निर्णय जो लेते हैं या निर्णय उनके बारे में आप देते हैं कि बच्चा हमारा ये चीज़ करेगा, या बच्चा हमारा इस क्लास में पढ़ेगा या इस स्कूल में विद्यालय में पढ़ेगा, तो जो आप निर्णय अपना खुद का देते हैं वही क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है, वही क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। और इसको कहा भी गया है कि जो आकलन और मूल्यांकन दोनों एक दूसरे क्या हैं, पर्याय हैं, लेकिन
लोग कहते तो हैं भूलवश, लेकिन ये एक दूसरे के पर्याय नहीं है। आकलन अलग चीज़ है, मूल्यांकन बिल्कुल अलग चीज़ है। आकलन जो है वो मूल्यांकन के पहले की प्रक्रिया है, जैसे कि मूल्यांकन सबसे अंतिम प्रक्रिया है, तो उससे जस्ट पहले की प्रक्रिया जो क्या है वो आकलन है। कहने का मतलब कि पृष्ठपोषण देना ही आकलन कहलाता है। तो पृष्ठपोषण आप कब देंगे, पुनर्वलन आप कब देंगे, आप एग्जाम से पहले आप देंगे, मूल्यांकन करने से पहले आप बच्चे को पृष्ठपोषण देते हैं ना, तो यही चीज़ आपका है। आइए देखते हैं परिभाषा क्या है। तो इरविन के अनुसार परिभाषा क्या है, तो इरविन क्या कहना चाह रहे हैं कि आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। जो आकलन हमारा है ये जो छात्र की जो एक व्यवस्थित क्रम में कहा जाता है ना कि क्रमबद्ध व्यवस्थित क्रम में उनके विकास कि उनका बच्चे का विकास हो सके उस आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर, कोई भी जो वस्तु होगा उसको परिभाषित कर, उस वस्तु का चयन करने की प्रक्रिया, उनके रचना करने की प्रक्रिया, संग्रहण विश्लेषण व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब आप समझिए क्या है कि जो छात्र होगा उस छात्र को आप उनके चयन करने की प्रक्रिया, उस छात्र के रचना करने की प्रक्रिया, उस छात्रों के में संग्रहण करने की प्रक्रिया, विश्लेषण करने की प्रक्रिया और उस टॉपिक को या उस छात्र में व्याख्या और सूचनाओं को जो भी सूचना है उनको उपयुक्त प्रयोग कर छात्र जो होंगे उन छात्रों का विकास करने की प्रक्रिया, मतलब इसी तरीके का हम अपना पाठ्यक्रम बनाएँ, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएँ कि उस छात्र का विकास हो, वह अधिगम में अपने को बढ़ा सके, वो सीखने में अपने आप को बच्चा जो छात्र होगा उसमें वृद्धि उस बच्चे के हो सके। तो आपका क्या था, इरविन के अनुसार था। अब देखिए क्या है हुब्बा एवं फ्रीड के अनुसार, कि हुब्बा और फ्रीड जो है ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो हुब्बा एवं फ्रीड के अनुसार आकलन जो है सूचना संग्रहण, जो आकलन है वो जो भी सूचनाएँ हमारी होती है उस सूचनाओं एवं उन सूचनाओं को संग्रह करने की तथा उस पर विचार विमर्श की, वो जो भी है उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा आकलन है वो आकलन सूचना संग्रहण करने की प्रक्रिया है, उस पर वो जो भी सूचनाएं संग्रहण जो हम करते हैं उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से अलग अलग माध्यमों से सूचनाओं को हम अलग अलग माध्यमों से प्राप्त कर ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी पहले से क्या जानता है। जैसे आप कक्षा कक्ष में जाते हैं तो आप क्या जाते जाते तुरंत आप कोई भी टॉपिक होता है उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, नहीं, आप करते क्या हैं कि दो चार क्वेश्चन के माध्यम से बच्चे को परखने का प्रयास करते हैं, बच्चे को जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चा क्या क्या जानता है पहले से, या बच्चे की स्मृति क्षमता कहाँ तक है, क्या सोच पाता है, या बच्चा क्या समझ पाता है, कि उसकी तर्क करने की क्षमता कितनी है। ये सभी चीज़ें आप अपने शैक्षिक अनुभव से, जो आपका खुद का अनुभव होता है उस अनुभव से आप बच्चे को जानने का प्रयास करते हैं, और जब बच्चे को आप जानने का प्रयास करते हैं, जब जान लेते हैं तब आप जानने मतलब उस बच्चे को मतलब बताते हैं, उसको आप अधिगम कराते हैं कि आप उससे ज़्यादा उस बच्चे में वृद्धि हो सके, उस बच्चे का विकास हो सके, आप उसको आगे पढ़ाते हैं वो टॉपिक। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि क्या जानते हैं, कि विद्यार्थी क्या जानता है समझता है, वो क्या समझता है, तथा अपने शैक्षिक अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है। जो एक शिक्षक होता है अपने शैक्षिक अनुभव के द्वारा उसके मतलब वृद्धि करता है बच्चों को पढ़ाने का, तो व्यक्त कर सकता है जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि हो सके। वे एक शिक्षक का कार्य होता है कि वो इस तरह से के बच्चे को जान पाए, उसको समझ पाए, ताकि उस बच्चे में और ज़्यादा वृद्धि कर सके, उसके विकास बच्चों का कर सके। तो ये आपका इरविन के अनुसार परिभाषा था, ये आपका हुब्बा एवं फ्रीड के अनुसार परिभाषा था। इसको एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये आपका क्या था, परिभाषा थी। इन परिभाषाओं के अनुसार, ये जो परिभाषा जो थी, इस परिभाषाओं के अनुसार कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिगम मतलब सॉरी अधिगम नहीं आकलन असिसमेंट होता क्या है। तो देखिए जो आकलन है, जो कि आपको हम कहीं ना कहीं अर्थ के माध्यम से या परिभाषाओं के माध्यम से वही सभी प्रक्रिया आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो देखिए आकलन जो है लोगों में सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया, जो कि आपको हम सबसे पहले बताए थे कि जो मतलब आकलन जो होता है वो जो भी लोग होते हैं उनमें सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है, यही क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। इसके द्वारा पृष्ठपोषण भी दिया जाता है, जो मूल्यांकन से पहले जो आप पेपर देने जाते हैं उससे पहले आप जो पृष्ठपोषण जो एक शिक्षक देता है बच्चे को उसकी प्रक्रिया है, या पृष्ठपोषण देने दिया जाता है, या आपका आकलन है। आपको मतलब कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह पूछताछ करने की प्रक्रिया है, या पूछताछ इसमें जो किया जाता है वो उसकी प्रक्रिया है। यह
कहने का मतलब कि भाई जब कहीं ना कहीं सूचनाएं जब होगी तो सूचना आप कैसे एकत्रित करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, एक दूसरे से जानेंगे, एक दूसरे पर विचार विमर्श करेंगे, तो कहीं ना कहीं जब पूछताछ की प्रक्रिया है तो आपको वही चीज़ कहा जा रहा है कि यह पूछताछ की प्रक्रिया है या यह पूछताछ करने की यह प्रक्रिया है आकलन असेसमेंट, यह विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है, जो कि यहाँ पर आपको देखिए लिखा भी गया है कि यह विचार विमर्श की प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वही आपको एक बाद में थोड़ा सा आप दो चार पॉइंट के माध्यम से वही सब चीज़ें आप बना के लिख देंगे, तो इससे होता है कि कापी आपकी कहीं कहीं भरती है, ये सब चीज़ें आपको इसके द्वारा आकलन अधिगम में सुधार तथा जो इसके मतलब आकलन के द्वारा छात्र जो होगा उस छात्रों के अधिगम में सुधार तथा उनके विकास किया जाता है, कि जो छात्र होता है उस छात्रों में उनके अधिगम में सुधार किया जाता है तथा उस छात्र का उस छात्रों में कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वृद्धि हो सके, उस छात्र का कितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, इसका अध्ययन किया जाता है। कहीं ना कहीं आपको तीन चार पॉइंट के माध्यम से हम आपको समझाएं और आपका आकलन क्या होता है इसको हम लोग जानें। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो आकलन होता है, ये असेसमेंट होता है, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। तो इसकी विशेषताएँ जैसे आपको बता दें हम कि वैधता होती है, मतलब विशेषताओं में कि आकलन की वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए। इस तरह से आपको हम चार पॉइंट पांच पॉइंट आपकी जो भी विशेषता होगी और थोड़ा सा उसको डिटेल में आपको लिख करके नोट्स में भी आपको देने का हम प्रयास करेंगे, जो कि आपको अगले वीडियो में देंगे। तो इससे पहले आप लोग चैनल पर जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहले तो आप शेयर किया करिए, और वीडियो अगर अच्छा आपको लग रहा हो तो आप कमेंट एक अच्छा सा मतलब एक कमेंट कर दिया करिए और एक लाइक जरूर आप लोग कर दिया करिए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग को आकलन जो था, असेसमेंट जो था, यह आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।